ये अपने हैं वेटा फिश एंड दोनों बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ, चलते हैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस क्या है। सो गाइस यहाँ पे है बेटा फिश, मेरे पास टोटल 6 पीस थे, एक इसमें से जंप लेकर मर गया एंड अभी मेरे पास 3 है, एक को मैं सेल कर दिया हूँ, एक नीचे पे है। तो यहाँ पे जो गाइस है, यहाँ पे 3 कलर्स है, देख सकते हो गाइस, ये ब्लू कलर है एंड ब्लू रेड इसमें मिक्स कलर है एंड ये भी मिक्स कलर है गाइस। और एक्चुअली मैं छोटे से एक प्लास्टिक का जार में रखा हूँ इसलिए ऐसा है, बट इसको जब शीशे के एक्वेरियम में रखने से बहुत अच्छे दिखते हैं लोग, तो ये लोग के लिए और एक्वेरियम बनाने वाला हूँ छोटे छोटे साइज़ का, जो कि इसका हाइट होगा 8 इंची एंड 6x6 एंड हाइट इसका 8 होगा। एंड यहाँ पे है अपने मॉली, बहुत सारे बड़े बड़े हो गए मॉली, जो छोटे थे यहाँ पे बड़े बड़े हो गए गाइस। यहाँ पे एक है रेड मॉली, प्योर रेड नहीं है, एंड एक छोटे से वाइट भी है मॉली का बच्चे है। यहाँ पे एक मॉली शायद मर गया गाइस, देख सकते हो, शिट, एक मॉली मर गया यहाँ पे, आई थिंक कुछ डिजीज हो गया इसको। फंगस इसमें क्या होता है ना कि वही मछली में जब फंगस लग जाते हैं तो मछली मरना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग ना फंगस के लिए मेडिसिन डालते हैं जो कि फंगस एंटी बैक्टीरिया होता है, तो उसको मैं दे दूंगा इसमें क्योंकि लग रहा है फंगस हो रहा है मछली में। एंड यहाँ पे देख सकते हो अपने बेटा फिश, वाओ क्या नाइस कलर है। सो इस साइड से दिखाता हूँ आपको, और ये लोग क्या करते हैं ना, अगर ऊपर से आप ढक के नहीं रखोगे तो ये लोग का बहुत गंदा हैबिट है, ये लोग बहुत जंप करते हैं और जंप करने के बाद ना मर भी सकते, इसलिए पानी को हमेशा नीचे देना चाहिए एक लेयर में एंड ऊपर में कवर देना चाहिए बेटा फिश के लिए, नहीं तो बेटा फिश मर सकता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैंने खुद देखा हूँ, मेरा एक बेटा फिश मर गया था जो कि मैं वहाँ पे रखा था एंड यहाँ पे अभी मैं रख दिया हूँ और इससे मैं ढक के रखता हूँ ताकि ऐसे ढक देता हूँ ताकि बेटा फिश जंप लेकर मरे ना, क्योंकि वहाँ पे जब रखा था तो टोटल 6 था और एक को मैं सेल कर दिया था और टोटल 5 थे, वहाँ पे एक जंप लेकर मर गया था और एक जो है ना वो एक्वेरियम में मैंने सेट किया हूँ जो कि प्योर रेड है, फुल्ली रेड है, उसको भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अभी। बेटा फिश को मैं अपने सारे बेटा फिश को एक टाइम ही फीड देता हूँ जो कि रात में होता है, नाइट 9 बजे रात में देता हूँ, और मछली जो है यहाँ पे मॉली ये लोग को भी नाइट में ही खिलाता हूँ मैं, क्योंकि दिन में नहीं देता हूँ। बहुत सारे भाई लोग 2-3 बार देते हैं, तो ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, मेरे पानी एकदम क्लीन रहेगा और मछली भी एक्टिव रहेंगे, देख सकते हो गाइस ये लोग सारे एक्टिव है, मेरे सारे मॉली फिशेस बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड बेटा फिश भी एक्टिव है। तो अभी मैं फ़िलहाल ढक देता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा जंप लेते रहते हैं। एंड यहाँ पे है अपने माइस, देख सकते हैं गाइस, जो कि अभी खाने का चक्कर में कुछ खा रहा है शायद, ये है माइस, दोनों एक साथ है एंड दोनों का कलर भी बहुत अच्छा, अभी जस्ट एक साथ रखा हुआ है, देख सकते हो कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया दोनों, अभी दोनों फाइट करने का पोजिशन में आ गया गाइस, दोनों फाइट करने का पोजीशन में आ गया है। सो देखते हैं फाइट ये लोग का कैसा होने वाला, ये फाइट देख सकते हो कितना ज़्यादा एग्रेसिव है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे है अपने दो बेटे फिश एंड दो बेटा फिश जिसको फाइटर बोलते हैं, देख सकते हो दोनों एग्रेसिव हो गया, अभी दोनों फाइट करेंगे, अभी देख सकते हो पूरा एग्रेसिव है एंड शायद अभी मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, देख सकते हो पूरा एग्रेसिव हो गया दोनों एंड दोनों अभी फाइट का पोजीशन में आ गया, देख सकते हो अभी फाइट स्टार्ट है। वाह
एंड ये लोग ना क्या है, एक साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि दोनों मेल है और दोनों एग्रेसिव हो गया। पाप देख सकते हो। सो अभी अलग कर देता हूँ यहाँ पे अकेले में। देख सकते हो अकेला जो है ना एकदम सिंपल से रहता है बॉडी, बट ये दोनों एग्रेसिव है। देख सकते हो दोनों एग्रेसिव, वाओ इतना ज़्यादा एग्रेसिव है ना फाइट करने के लिए एक दूसरे के साथ। एंड दोनों का कलर भी बहुत अच्छा है गाइस, एंड इसका भी कलर बहुत अच्छा है। सो मैं इसको अभी अलग अलग कर दे रहा हूँ, नहीं तो फाइट करके पूरा विंग को ख़त्म कर ले गए लोग। तो देख सकते हो पूरा एग्रेसिव है। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू।